हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिससे आपके जो छोटे छोटे रैसेस होते हैं फेस में, जो घमोरियां हो जाती हैं फेस में और किसी की रेडनेस हो जाती है, तो ये सब मैं सॉल्व करने वाली हूँ। और ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वैसे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला है क्योंकि इसमें मैं ज्यादा बवक नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, पार्लर खोल चुकी हूँ मैं। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिर्फ दो रेमेडी है इसमें, लेकिन आपको वो दो ही यूज करने हैं, अदरवाइज अलग से आप कुछ यूज मत करिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे जरूर से हिट करिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिल सके आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो आज जो मैं बताने वाली हूँ उसमें सिर्फ दो सामान लगने वाले। पहला है जिंजर यानी कि अदरक, जिसको लोग आदि भी बोलते हैं, एंड दूसरा है हनी। तो यहाँ पे मैं डाबर का हनी यूज कर रही हूँ, मुझे सूट करता है डाबर का हनी, अदरवाइज आपको जो सूट करता है आप ले सकते हो। और इसे फेस में अप्लाई करने के बाद आपको जलन महसूस होगी आपके फेस में, बट इट्स नॉर्मल, कोई डरने की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बाय चांस अगर प्रॉब्लम होती है तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर इसे एक बार यूज करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे फेस में रेडनेस हो गई है या और ज्यादा रैसेस हो गई है, ऐसा लगना तो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सूट किया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को सूट कर जाए, लेकिन अगर सूट नहीं भी करता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर किसी को रैसेस या रेडनेस होती है तो आप तुरंत आप अपने फेस में आइस रब करेंगे, बट आइस को डायरेक्ट रब नहीं करना है, कॉटन में लेके रब करना है, और एक आइस को पूरा रब करिए, आपको राहत महसूस होगी। लेकिन आप लोग एक बार यूज जरूर करिए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है डाबर का हनी और मैंने लिया है जिंजर, और इसे अच्छे से छील लेना है आपको, छिलकी के साथ इसे कद्दूकस नहीं करना है। तो चलिए अब हम कद्दूकस करते हैं। तो यहाँ इसके हेल्प से मैं कद्दूकस कर रही हूँ, आपको अच्छे से कर लेना है ताकि अच्छे से इसका जूस आप निकाल पाओ। और यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, लेकिन आप लोग भी करोगे तो ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। सो अच्छे से कद्दूकस करने के बाद मैं इसका जो जूस है उसे निकाल लूँगी, और उतना ही करना है जितना आपको ज़रूरत है। जैसे मैंने एक छोटा सा अदरक लिया था जिसको मैंने पूरा नहीं किया है, तो इस तरीके से होगा। और फिर इसे मैं निकाल रही हूँ, और इसे निकाल के मैं इस तरह से निचोड़ रही हूँ जिससे कि आराम से जूस निकल गया है, आप लोगों को दिख रहा है, और ये एक फेस के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी हनी। आप चाहे तो रॉ हनी भी ले सकती हैं और डाबर का भी यूज़ कर सकती हैं। सो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक कॉटन बॉल की हेल्प से अपने फेस में अप्लाई करना है। सो इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर रेडी है और मैं इसे एक कॉटन बॉल की हेल्प से अप्लाई करूंगी, आप भी अप्लाई कर सकती हैं। एंड मैंने दिखा दी है आपको ये कैसे बनाना है, बहुत ही इजी तरीका है। एक कॉटन बॉल की हेल्प से अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है, अंडर आई को छोड़कर। यहाँ पर मैंने अपने फेस में, नेक में भी अप्लाई कर लिया। मैं कुछ भी अप्लाई करती हूँ तो अपने नेक में भी जरूर करती हूँ। और अब मैं इसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी, और 20 मिनट्स के बाद मैं इसे वॉश करूंगी कोल्ड वाटर से। सो मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश, और आपको ये लगाने के बाद जलन तो होगी ही, और आपको रैसेस आए या ना, अगर आपको जलन ज्यादा आप नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते हो तो आप लास्ट में आइस रब कर सकते हो। तो मुझे भी होती है जलन, ऑफकोर्स सभी को होती है, तो मैंने भी एक आइस क्यूब लेकर उसे रब कर लिया कॉटन से, और अभी रिलैक्स फील हो रहा है। और ये आपको सप्ताह में 3 बार करना है, 1 दिन करके 1 दिन छोड़ना है। तो ऐसे करके अगर आप रोटेट करके करते हो तो आपके रैसेस वगैरह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आप लोग करके मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ये बहुत सारी का प्रॉब्लम है, रैसेस आ ही जाते हैं, और ये सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे लगा सकते हैं, जैसे कि मेरी भी सेंसिटिव स्किन है तो मैं लगाती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे यहाँ पर और यहाँ पर ज्यादा रैसेस होते हैं। तो इसे ध्यान में रख कर मैं लगाती हूँ और मुझे काफी अच्छा सूट करता है। सो होप आप लोगों को भी सूट करेगा, लेकिन एक बार आप लोग आइस क्यूब जरूर रब करिएगा।
सो यही था आज का वीडियो, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी मेरी वीडियोस भी थोड़ा बहुत शेयर कर लिया करिए अगर अच्छी लगती हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।